हेलो गाइस, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के गुरुजी में। जैसे कि हमने एक ये सीरीज चलाया डे वन टू डे 100, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट इंग्लिश के डिफरेंट टॉपिक को देखेंगे जो आपके एग्जाम में एसएससी सीजीएल में आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसके साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स टाइप एग्जाम होते हैं, ईपीएफओ का होता है, सीएचएसएल, एमटीएस, देर आर सो मेनी वेरियस काइंड ऑफ यू नो एग्जाम वेर दिस वीडियो कैन हेल्प यू। एंड हम लोग जैसे देखते हैं, जो हमारा टारगेट ये रहेगा जो हम वर्ड को सिर्फ वर्ड की तरह ना देख के इसके मीनिंग को और इसके इसके वोकेबुलरी को हम सही से समझेंगे, उसको एग्जाम्पल के जो लिविंग एग्जाम्पल है, जो फेमस एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट के थ्रू हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना पहला वर्ड है यह है एब्स्टिनेंट। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? एब्स्टिनेंट। एज यू कैन सी दैट एब्स्टिनेंट मींस होता है वॉलेंटियरी अवॉइडिंग, एब्सटेनिंग। एब्सटेनिंग क्या होता है? एब्सटेनिंग, एब्सटेनिंग, एब्सटेनिंग मींस छोड़ देना। वॉलेंटियरी कोई चीज को आप अवॉइड करते हैं उसको एब्सटेन, एब्सटेन बोलते हैं, और जो ऐसे करता है उसको एब्सटिनेंट, ये एडजेक्टिव हो गया यहाँ। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ऑल दो आई वॉन्ट टू गिव डिस्क्लेमर दैट वॉट एग्जाम्पल हियर आई हैव यूज दिस इज माई इमेजिनेशन, इट मे नॉट बी ट्रू, राइट। बट हम वर्ड को समझने के लिए जो हमें ज्यादा पसंद होता है, इस चीज से हम वर्ड को बहुत जल्दी सीख पाते हैं, इसलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल दिया हूँ। ये कह रहा है जो अजय देवगन यूज टू बी अ चेन स्मोकर, नाउ ही इज एब्सटिनेंट, राइट। नाउ ही इज एब्सटिनेंट मीन्स वह कोशिश कर रहा है, वॉलेंटियरी अवॉइड कर रहा है, राइट। तो उसको हम कहते हैं एब्सटिनेंट। तो हमने क्या देखा? एब्सटिनेंट मतलब होता है वॉलेंटियरी अवॉइडिंग, कोई चीज को आप जानबूझ के छोड़ना चाह रहे हैं, उसको एब्सटेन बोलते हैं, और ऐसे पर्सन को एब्सटिनेंट बोलते हैं। अब दूसरा वर्ड जो हमारा है वो क्या है? एब्सट्रैक्ट। एब्सट्रैक्ट, एब्सट्रैक्ट मीन्स कोई चीज जो थ्योरिटिकल होता है, राइट, उसको एब्सट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे कि आई लाइक दिस इन एब्स्ट्रैक्ट नॉट इन प्रैक्टिकल, राइट। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, लर्निंग स्विमिंग इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट बट इट इज प्रैक्टिकल। नाउ सी, इफ यू वॉन्ट टू लर्न, इफ यू वॉन्ट टू लर्न द स्विमिंग, इट्स नॉट यू नो एब्स्ट्रैक्ट, आई मीन थियोरिटिकल यू कैन नॉट डू एनी थिंग अनलेस यू गो एंड यू नो assume it on your own, right? So it's practical. It is very much practical. That is why we say it is not abstract, right? Fine. So what we have learned, two words we have learned, that first word was abstinent. Abstinent मतलब क्या होता है? Abstinent मतलब होता है जो कोई चीज को आप voluntarily avoid कर रहे हैं। Abstract मतलब होता है theoretical. Now third word is abstruse. एब्स्ट्रूज मीन्स होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रूज। ये दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों मैं आपसे एक चीज तो कहना चाहूंगा, यदि इस वीडियो को आपने देख लिया, आई गिव यू गारंटी दैट आप कहीं भी कोई सा भी वर्ड में, कोई चाहे कोई भी एग्जाम का वर्ड हो, यू कैन नॉट मिस, राइट। दिस इज माई पर्सनल गारंटी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो ज्यादा से ज्यादा इस वर्ड को समझें, एक बार वीडियो देखे, फिर दूसरे बार खुद से कोशिश करे इस वर्ड को लिखने का, और जस्ट यू ट्राई टू गिव एनी एग्जाम्पल ऑन योर ओन, अनलेस यू गिव एग्जाम्पल यू कैन नॉट लर्न, राइट। तो हम क्या वर्ड देखते हैं? एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज मीन समथिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड। जैसे कि यहाँ है फ्रेंच, जैसे कि वी ऑल नो दैट फ्रेंच इज वेरी डिफिकल्ट, ऑल्दो पीपल से ग्रीक इज वेरी डिफिकल्ट, बट इफ यू टॉक अबाउट मी, फॉर मी आई मीन फ्रेंच इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो फ्रेंच इज एन एब्स्ट्रूज लैंग्वेज, राइट। सो वॉट वी कैन से समथिंग, सपोज एनी एनी कॉन्सेप्ट इन मैथ्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड, देन वॉट यू विल राइट दैट दिस क्वेश्चन इज एब्स्ट्रूज फॉर मी, राइट। सो यू कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज एब्स्ट्रूज फॉर मी। नाउ नेक्स्ट इज एब्जिमल। एब्जिमल मीन्स अगेन इट इज रेस्ट, होपलेस, आई मीन इट इज पूरी तरह से यू नो निराशाजनक हो या बिल्कुल बर्बाद हो चुका हो, ऐसे सेंस में हम एब्जिमल का यूज करते हैं। दिस इज वेरी गुड वर्ड,
एब्जिमल, राइट, एब्जिमल, जैसे कि हम जैसे कि देखते हैं पाकिस्तान हमेशा कर्ज में डूबा रहता है, तो हम यहाँ इसके लिए एक एग्जाम्पल बना सकते हैं, जो पाकिस्तान्स डेट क्राइसिस इज एब्जिमल, राइट, इट इज होपलेस, इट कैन नॉट बी यू नो इम्प्रूव्ड इन नियर फ्यूचर, राइट। नो एक्लेड, एक्लेड मीन्स होता है रिवॉर्ड या फिर अवार्ड या ऑनर आप किसी को करते हैं, तो इसके लिए आप एक्लेड का यूज करते हैं, जैसे कि नेशनल फिल्म फेयर इज एन एक्लेड फॉर द एक्टर, जैसे कि नेशनल फिल्म फेयर एक क्या है, ऑनर है, अवार्ड है एक्टर के लिए। अब दूसरा वर्ड क्या है, उससे नेक्स्ट वर्ड क्या है, अकॉस्ट, अकॉस्ट मीन्स यू नो अप्रोच समवन, इन नेगेटिव सेंस जनरली वी यूज दिस वर्ड अकॉस्ट। जस्ट आई हैव गिवन हियर वन एग्जाम्पल, इन नाइट व्हेन रिया वॉज कमिंग फ्रॉम ऑफिस एंड स्ट्रेंजर अकॉस्टेड हर, जैसे कि वो रात में ऑफिस से घर आ रही थी तो एक जो स्ट्रेंजर था उसको यू नो अप्रोच करने का कोशिश किया, राइट। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, अकॉस्ट मीन्स अप्रोच करना, अकॉस्ट मीन्स क्या करना, अप्रोच करना। नेक्स्ट वर्ड है एसर्बिक, एसर्बिक मीन्स बिटर, सीवियर और शार्प, जैसे कि कपिल शर्मा, कपिल शर्मा एसर्बिक विट मेक्स पीपल लाफ, जनरली आप सब लोग देखते होंगे कपिल शर्मा शो, तो वो एक विटी मतलब उसका कमेंट होता है, एक तरह से शार्प होता है, राइट, समटाइम्स इट इज वेरी सीवियर, तो ऐसे में हम लोग हंसते हैं उसके उस कमेंट से, तो हम कह कह सकते हैं, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड, राइट, जनरली दीज वर्ड जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, एसर्बिक, राइट। नाउ एक्यूजेस, एक्यूजेस मीन्स कॉम्प्लाई करना, आप बिना कोई आर्ग्यूमेंट के कोई चीज आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एक्यूजेस, राइट, एक्यूजेस। जैसे कि मैंने एक, आप लोग टीवी शो देखते होंगे, न्यूज चैनल देखते होंगे, तो जस्ट मैंने ये एक सॉरी संबित पात्रा का एग्जाम्पल लिया है, राइट, कपिल शर्मा सॉरी संबित पात्रा नेवर एक्यूजेज ओपोनेंट्स क्लेम, जैसे कि कोई जल हमने उनको बहुत बोलते हुए सुना है, तो जस्ट मैं फॉर फन आई हैव टेकन ऑल दिस एग्जांपल, ऑल्दो इट मे बी ट्रू इट मे नॉट बी ट्रू फॉर समवन, जस्ट आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। नाउ नेक्स्ट है एक्रिड, एक्रिड, एक्रिड मीन्स हार्श, एक्रिड, राइट, जैसे कि हिज एक्रिड कमेंट मेड रीता एंग्री, उसका जो ये एक्रिड कमेंट है वो रीता को क्या किया, वो गुस्सा दिला दिया। तो एक बार हम फिर से पूरे वर्ड को देख लेते हैं, एब्स्टिनेंट मतलब हमने क्या देखा, जो वॉलेंटरी कोई चीज को कोई छोड़ता है उसको एब्स्टिनेंट कहते हैं या एब्सटेन फ्रॉम कहते हैं, ही एब्सटेन फ्रॉम। इसके बाद हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, थियोरेटिकल, राइट। इसके बाद हमने देखा एब्ट्रू, एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज मतलब होता है इट इज वेरी डिफिकल्ट समथिंग विच फाइंड यू वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज एब्स्ट्रूज फॉर यू। नाउ नाउ नेक्स्ट एब्जिमल, एब्जिमल मतलब होता है रेस्ट, होपलेस, बिल्कुल निराशावादी, बिल्कुल बुरी अवस्था में, इसको क्या कहते हैं, एब्जिमल। एक्लेड मीन्स होता है अवार्ड ऑनर, तो आप सब जानते हैं, सपोज एनी वन गेट्स एनी अवार्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इट इज एक्लेड फॉर देम, राइट। अकॉस्ट मीन्स होता है अप्रोच समवन, तो आप कह सकते हैं जो अप्रोच करने के सेंस में अकॉस्ट आएगा, तो आप कह सकते हैं इसका होता है एसर्बिक होता है, एसर्बिक मीन्स अगेन इट इज बिटर, शार्प और सीवियर, राइट। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया कपिल शर्मा, कपिल शर्मा एसर्बिक विट मेक पीपल लाफ, राइट। नाउ एक्यूजेज, हमने थोड़ा स्पेलिंग इस पे ध्यान दीजिएगा, ACQUISE, इस तरह के वर्ड जनरली हम SSC CGL में देखने को हमें मिलता है, तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लाई या एक्सेप्ट विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, जब कोई चीज आप बिना आर्ग्यूमेंट के एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्यूजेज, जैसे कि संबित पात्रा नेवर एक्यूजेज अपोनेंट्स क्लेम, राइट। नाउ एक्रिड, एक्रिड मतलब क्या होता है, हार्श, समथिंग विच इज वेरी हार्श, मीन्स हार्श मीन्स जस्ट यू ट्राई टू यू नो ज्वाइन द, ट्राई टू लिंक द वर्ड विद योर इमोशन सो दैट इजिली यू कैन रिमेम्बर इन एग्जाम, राइट। वर्ड इज सच अ थिंग यू कैन नॉट मग अप, इट इज नॉट एडवाइजेबल एज वेल, राइट। इफ समवन मग अप द वर्ड, इवन इसके बदले कोई एक और अलग वर्ड दे दिया, वो आदमी फंसेगा, राइट। दैट इज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिंक द वर्ड विद योर इमोशन, राइट। नाउ एक्रीमोनी, एक्रीमोनियस, दिस इज अगेन वेरी गुड वर्ड, एक्रीमोनियस, ये जनरली बिटर होता है, बिटर मीन्स खटास के सेंस में, तो
जैसे कि मेरे और उसके दोस्ती में खटास आ गई एट प्रेजेंट। जैसे कि अभी आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं, अभी तालिबान को लेकर के अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बड़ा सा अच्छा रिलेशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो एट प्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इज एक्रीमोनियस, राइट। और लास्ट है एक्यूमन। एक्यूमन मीन्स होता है अगेन मेंटल शार्पनेस। क्या होता है एक्यूमन? मीन्स मेंटल शार्पनेस। मेंटल शार्पनेस यहाँ हम देखते हैं, तो आप कह सकते हैं अंबानी अंबानी सॉरी सॉरी इसको हम एक बार पहले डिलीट कर लेते हैं, तब तक एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ यस नाउ सो हम यहाँ देखते हैं एक्यूमन मतलब होता है जो किसी का बुद्धि बहुत ही ज्यादा कुशाग्र हो, बहुत ही ज्यादा तेज हो, शार्प हो, उसको हम क्या कहते हैं एक्यूमन। जैसे कि मैंने एक बहुत ही बढ़िया एक वर्ड मैंने लिखा है जो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा आई होप। जैसे कि एक्यूमन मीन्स होते हैं, यहाँ एक्यूमन मैंने दिया है मेंटल शार्पनेस। जैसे कि अंबानीज बिजनेस एक्यूमन इज वेरी हाई, राइट। उन्होंने जियो लॉन्च किया, पहले तो ये कहा गया जो ये भाई फ्री में होगा, अब पूरा हर जगह जियो जियो ही जियो है, हर छोटे बड़े कंपनी को वो ओवर कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, राइट। तो हमने क्या देखा, एक बार लेट अस रिवाइज फ्रॉम बिगिनिंग। एब्स्टिनेंट, एब्स्टिनेंट मतलब होता है वॉलेंटियरी अवॉइड करना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब थियोरेटिकल होता है। एब्स्ट्रूज मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब कोई चीज को समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो। एब्जिमल मतलब बिल्कुल होपलेस, निराधा निराशावाद, या रेस्ट मीन्स बर्बाद जर्जर की स्थिति में। एक्विलेट मीन्स होता है एक 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 सम्मान होता है, अवार्ड होता है। अकॉस्ट मतलब अप्रोच समवन, किसी को आप अप्रोच का हिंदी आप जिस सेंस में लगाना चाहे लगा सकते हैं। एसर्बिक मतलब बिटर, सीवियर, शार्प, राइट। एक्यूजेस मीन्स कोई चीज को आप बिना आर्ग्यूमेंट के एक्सेप्ट कर लेते हैं। कॉम्प्लाई मतलब वही होता है, या फिर इसको कह सकते हैं टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। एक्रिड, एक्रिड मतलब हार्श होता है, और एक्रीमोनियस मतलब बिटर होता है। एक्रीमोनियस बिटर रिलेशन सिप, और एक्यूमेन मतलब होता है मेंटल शार्पनेस। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा 11 वर्ड, जो कि ऑलमोस्ट मैं कोशिश करता हूँ जो 10 मिनट में मैं आपको 10 या 11 वर्ड बता दूँ, राइट। तो इस तरह से ये एक चीज तो आपको मैं गारंटी देना चाहता हूँ, जो वीडियो डेली आएगा, आप जो भी पढ़े, जहाँ से भी पढ़े, जैसे भी पढ़े, आप पढ़ते रहिए, लेकिन एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको इससे पता चल। इफ यू नो द वर्ड यू कैन रिवाइज इट, इफ यू डोंट नो यू कैन लर्न इट, राइट। बट गिव अ ग्लांस टू दिस वीडियो एंड इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, इफ यू लाइक तो जरूर उसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, और साथ ही मैं आपसे ये आग्रह करूंगा इफ यू फाइंड और इफ यू फील कि मैं आपके लाइफ में या आपके आपके एडुकेशन में मैं कोई भी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसको सब्सक्राइब करें और अपने वेल विशर को उसको फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा फ्री इनिशिएटिव है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ जो इंग्लिश को लेकर के आप बिल्कुल परेशान ना हो, एवरीडे अभी तो वर्ड आ रहा है, फिर हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर होगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिर होगा ग्रामर। तो ऐसे पढ़ाया जाएगा जो आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, इन द सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा मगअप करने की जरूरत नहीं है, चाहे हिंदी माध्यम के बच्चे हों या इंग्लिश माध्यम के बच्चे हों। ये मेरा पर्सनल एक गारंटी है। आप वीडियो सब्सक्राइब करें और देखें, कमेंट करें, आपको कुछ आप जो सुधार करवाना चाहते हैं इसमें आप जरूर करें, आप सबका स्वागत है। तो हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ, और कुछ अच्छा होगा, अलग होगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।